गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है कि बिफोर एग्जाम आपको कौन सी हैबिट्स हैं जिनको लेकर चलना होगा ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो गाइस, जो फर्स्ट हैबिट आपको अपनानी पड़ेगी अपने एग्जाम्स के लिए और गुड मार्क्स लेने के लिए, वो है सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए। डोंट यूज सोशल मीडिया। अब इसके क्या नुकसान हैं अगर आप इसको यूज करते हैं, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप अच्छा खासा पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपने अचानक से मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप खुल गया, यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। आपके फ्रेंड ने आपको हाई किया, आपने भी हाई किया, देन हाउ आर यू तक बात गई, देन आगे चलते 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 हंसी मजाक गॉसिप और ये सब स्टार्ट हो गया। तुमने कितना पढ़ा, मैंने कितना पढ़ा, और आपने अपना सारा टाइम कर दिया वेस्ट। तो इसलिए जब भी आपके एग्जाम्स हों तो बिफोर एग्जाम प्लीज ये टिप जरूर याद रखिए कि आप लोगों ने अवॉइड करना है सोशल मीडिया। सेकेंड है कि डू नॉट आस्क योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों से कभी भी ये मत पूछें कि तुमने क्या याद किया क्या याद नहीं किया, क्योंकि इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपके दोस्त ने ज्यादा याद कर लिया आपसे तो आप टेंशन में आ जाएंगे कि मैंने तो कम याद किया, अब मैं क्या करूं, और इसी टेंशन में भैया सारे का सारा काम हो गया खराब। और अगर आपके दोस्त ने आपसे कम याद किया है तो आप बहुत कूल डाउन हो जाएंगे कि चलो भाई मुझे तो 5 चैप्टर याद है, इसे तो 2 चैप्टर याद है, चलो ठीक है मैं कल याद कर लूंगा। तो इसी तरह से आप अपने टाइम को बर्बाद कर बैठेंगे। आपको ये टेंशन मारेगी कि मेरा लो ग्रेड आ जाएगा अगर मुझे याद नहीं होगा, मेरे लो मार्क्स आ जाएंगे, मुझे एडमिशन कैसे और कहाँ मिलेगा। सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद योर फ्रेंड्स। हमेशा याद रखें कि आप अपने आप में यूनिक हैं। अपने तरीके से पढ़िए, अपने तरीके से एग्जाम्स दीजिए, और मेरी बात लिख लें कि गारंटेड आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। देन डू नॉट ट्राई एनी न्यू बुक। Whenever आप एग्जाम्स के एरा में आ चुके हैं तो कभी भी ट्राई मत करें कि आप न्यू बुक से पढ़ लें, क्योंकि आपके फ्रेंड ने आपको कहा है कि ये बुक बहुत इजी है। प्लीज जितना याद है उसकी रिवीजन जारी रखें, जिन बुक से आप पढ़ रहे हैं उन्हीं को जारी रखें और देखें कि आपके मार्क्स पे कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अपने प्लान्स को यूज करें, अपने प्लान्स के साथ स्टिक रहें। ये नहीं कि फ्रेंड ने कहा कि मैं तो सुबह पढ़ती हूँ बहुत अच्छा पढ़ा जाता है, ट्राई इट, और आपने सपोर्ट ना शुरू कर दिया जबकि आपकी हैबिट नहीं थी और बाकी का पूरा दिन आपका खराब चला गया। डू नॉट चेंज योर टाइम टेबल। अपने टाइम टेबल को चेंज कभी मत करें, क्योंकि अगर आप अपना टाइम टेबल चेंज करते हैं तो आपकी रूटीन खराब होती है, और अगर आपकी रूटीन खराब हो गई तो एग्जाम्स के दिनों में भैया आप तो गए काम से। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि ना अपना टाइम टेबल चेंज करें, ना अपने प्लान्स को बदलें, ना अपनी बुक्स को बदलें। स्पेंड मोर टाइम टू रिवीजन। रिवाइज करते जाइए, क्योंकि रिवीजन प्रैक्टिस करवाती है और प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे फॉर रिवाइजिंग एनीथिंग। ओके, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो पेपर में हो ही नहीं सकता कि आप अच्छे मार्क्स ना लेकर आए। डोंट ईट आउटसाइड फूड बिकॉज यू मे सिक ड्यू टू दैट फूड। That's why cook food at your home and have it. क्योंकि अगर आप बाहर से खाना खाएंगे आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। So never ever use and try to have lunch or have dinner outside. Do not oversleep. कुछ बच्चे हैं जो सोते रहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा सो जाऊंगी तो फ्रेश रहूंगी। नहीं, आप बहुत ज्यादा सुस्त और काहिल हो जाएंगे। सो ज्यादा सोने से आपकी काहली बढ़ती जाएगी। सो सोना छोड़ दीजिए। 6 आवर की नींद आपके लिए एनफ है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। साउंड स्लीप लीजिए 6 घंटे की बिना किसी टेंशन के। बिलीव रखें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। सो बिलीव इन योर सेल्फ। All the best for your examination. I always remember you all in my prayers. और हमेशा ये बात रखूंगी कि इन तमाम टिप्स को लेकर चलिए तो आप बहुत अच्छा करेंगे।
और हमेशा ये याद रखें कि स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर. किसी ने बहुत अच्छी कोटेशन बोली है कि स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर, अगर आप स्मार्टली पढ़ेंगे हार्डली नहीं तो बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आपको मिलेंगे, अच्छा फ्यूचर बनेगा, अच्छी जगह पे आप पहुंचेंगे. सो ऑलवेज प्रीविंग योर सेल्फ. एक चीज़ जो आप एग्जाम में बैठे हुए गलती करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करते हैं कि अंदर जाने तक रिविजन जारी है. प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, आपने जो पढ़ लिया आपको याद रहेगा. जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, पे एक्स्ट्रा अटेंशन टुवर्ड योर पेपर एंड डू नॉट रीड इन हरी. अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे पेपर तो कुछ ना कुछ वर्ड आपसे स्किप हो जाएगा, और अगर वर्ड स्किप हो गया तो वहीं से आपकी भैया प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. सो डोंट स्किप एनीथिंग इन योर पेपर, प्लीज रीड करेक्टली. Then pay extra attention toward your paper, save time and utilize as well. If you are in doubt, then ask your supervisor. Okay? आप कभी भी try मत कीजिए कि मुझे ये चीज का doubt है तो मैं इधर friend से पूछूं या उधर friend से पूछूं. Just ask to your supervisor, वो आपको बहुत अच्छा बताएगा. और हमेशा याद रखिएगा कि letter never come. So कभी ये मत कहें कि मैं ये वाला काम बाद में कर लूंगी, क्योंकि बाद का काम कुछ भी नहीं होता. लेटर नेवर कम. सो अपने टाइम पर अपनी चीजों को करें, अपने अच्छे मार्क्स लीजिए. 9th और मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट टाइम होते हैं, बहुत परेशान होते हैं बच्चे के, हम क्या करें. सो बिफोर एग्जाम में ये कुछ टिप्स आप याद रखिए, और अगर आप मेरी टिप्स को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरह से अपने बोर्ड के पेपर में अपीयर होंगे. और ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है, कि अगर आप इसी तरह से इन टिप्स पे अमल करते रहे तो इंशाल्लाह आप एवन ग्रेड या ए ग्रेड जरूर हासिल करेंगे. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो ये आएगा कि इन योर एग्जाम आप अपने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या ड्यूरिंग योर पेपर आप किस तरह से अपने पेपर को पढ़ें और किस तरह से इसको सॉल्व करें, कौन से क्वेश्चन को पहले करें या कौन से क्वेश्चन को बाद में करें. और हम ये भी आपको टिप्स देंगे कि किस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना चाहिए. कुछ लोग का ख्याल है कि बहुत ज्यादा हेडिंग लिखेंगे तो मार्क्स आएंगे, कुछ लोग का ख्याल है कि बस डायग्राम्स अच्छी अच्छी बना लो मार्क्स आ जाएंगे. तो हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप पेपर दें और कितने क्वेश्चंस में कितनी हेडिंग और किस तरह से हेडिंग दें और कितने मार्क्स के क्वेश्चन में आप कितना लिखें. ठीक है, कीप वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.